हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये देखा गया है कि एटॉमिक रेडार और आयोनिक रेडार लेफ्ट टू राइट जो सीरीज के अंदर है, जैसे 3D सीरीज की अगर बात करें तो स्कैंडियम टू जिंक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयोनिक रेडार जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज, सो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक और आयोनिक रेडार जो है वो लेफ्ट टू राइट कम होते जाएंगे। अब यहां पे होता क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से बढ़ते जाएगा। सो ये भी याद रखें, सो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब यहां पे देखने की जरूरत यह है कि वी नो वेरी वेल वी आर डीलिंग विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें n-1 d ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल होता है। अब d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पोअर होता है, याद रखें। अब ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक और आयोनिक रेडार में जो कमतरती है यानी जो डिक्लाइनेशन है वो उतना ज्यादा नहीं दिख पड़ता, याद रखते। सो यहां पे हम लोग बोल सकते कि डी ऑर्बिटल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दस इफेक्ट इज लेस। इसका मतलब ये होता है कि जितना कम होना चाहिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक और आयोनिक रेडार उतना कम नहीं दिखता है। मान के चलो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक और आयोनिक रेडार में क्या बोलते हैं उसको डिक्रीज जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड होता, लेकिन ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडार इज नॉट दैट गुड। ये चीज आपको समझना होगा। ये था एटॉमिक रेडार के बारे में। अब आयोनिक रेडार के बारे में भी सेम ट्रेंड है। सो रिमेंबर आयोनिक रेडार आल्सो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे लेफ्ट टू राइट आयोनिक रेडार भी कम होते जाएगा। अब याद रखें अगर एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मान के चलो +2 स्टेट, 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो सभी एलिमेंट्स मान के चलो +2 स्टेट में है, तो अगर वो +2 स्टेट में है तो ग्रेजुअल क्या बोलते हैं उसको आयोनिक रेडार में डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। सो इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन आयोनिक रेडार इज सीम्स टू बी ग्रेजुअल। अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर क्रोमियम इन +2 स्टेट, इट हैज रेडार ऑफ 82 पिकोमीटर। अब इसको अगर आप Cu2+ यानी कॉपर इन +2 स्टेट के साथ कंपेयर करोगे तो इसका रेडार 72 पिकोमीटर होगा। यानी क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट
आयोनिक रेडाई जो है वो डिक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज जो है वो ग्रेजुअल हुआ। अब और एक चीज आप याद रखें, फॉर सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक ही एलिमेंट, अब हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो कंसीडर वन ट्रांजिशन एलिमेंट दैट शोइंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है तो याद रखे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें आयोनिक रेडाई जो है वो कम होगा। सो ये चीज याद रखे, फॉर सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड एक ही एलिमेंट अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो हमें ये बात समझना होगा कि रेडाई ऑफ आयन इन ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्मॉलर, यानी जो ज्यादा बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एलिमेंट का उसमें आयोनिक रेडाई जो है वो छोटा होगा, और छोटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें आयोनिक रेडाई जो है वो बड़ा होगा, ये हमें समझने की जरूरत है। और एक चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट के आयोनिक रेडाई जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के मुकाबले कम होंगे, वो भी उसी सीरीज के अंदर, ये चीज आपको समझना होगा। सो आयोनिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड यानी एक ही पीरियड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट है और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है उनके आयोनिक रेडाई अगर आप कंपेयर करो तो आपको महसूस होगा, आपको समझ में आएगा कि आयोनिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन दोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट।